आईएसकेपी के 5 मेंबर गिरफ्तार किए गए। सूरत टू अफगानिस्तान वाया पोरबंदर, किस तरह से ये सब कुछ हो रहा था, जो मॉड्यूल ये पकड़ा गया है। उबैद नासिर मीर ये नाम है और जो श्रीनगर का रहने वाले, इसके बारे में जानकारी। इसके अलावा जो दूसरा है शख्स, उसका नाम है हनन हयात जो कि श्रीनगर का ही है, मोहम्मद हाजिम जो कि श्रीनगर का है, जुबैर अहमद मुंशी ये सूरत का रहने वाला है और सुमेरा बानो ये सूरत की रहने वाली हैं। तो ये 5 इस वक्त गिरफ्तार हुए संदिग्ध आतंकी आईएसकेपी के बताए जा रहे हैं और इस मॉड्यूल को पकड़ा गया। मोहित भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुजरात से। मोहित ये बताइए, 5 लोग गिरफ्तार किए गए अभी तक इस मॉड्यूल के बारे में और क्या जानकारी? देखिए अभी मैं आपको बात बताऊं कि 4 लोग जो गिरफ्तार किए पोरबंदर से, उसमें से 3 कश्मीरी युवक है और 1 महिला है। इन 4 लोगों को जो पोरबंदर सेशन कोर्ट में लाया गया है और 14 दिनों के रिमांड की मांग पुलिस अभी यहाँ करने वाली है। अब चुस्त पुलिस बंदोबस्त के साथ, सुरक्षा के साथ इन सभी लोगों को यहाँ पे लाया गया है। अब पुलिस अभी इस बात की छानबीन में है कि जो ये मॉड्यूल चला रहे थे आईएसआई मॉड्यूल के, जो ये ग्रुप था वो ग्रुप कितने दिनों से एक्टिव था, इनमें कौन कौन लोग शामिल है, गुजरात के अलावा देश के किन हिस्सों में इनके हैंडलर है अभी भी काम कर रहे हैं और ये एक साजिश कर रहे हैं। जो ग्रुप की बात आ रही है इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविजन आईएसकेपी, ये ग्रुप है वो जो सोशल मीडिया के माध्यम से देश भर के जो युवान है, जो युवा दल है, उसे बहकान का काम कर रहे थे, उसके माइंड वॉश का काम कर रहे थे और उसके बाद वो यहाँ से ईरान और अफगानिस्तान उसे भेजकर वहाँ पे एक आतंकी साजिश का काम होने वाला हो रहा था। एटीएस को जो माहिती मिली के 3 लोग, ऐसे ही 3 लोग जिसका माइंड वॉश किया गया है आतंकी प्रवृत्ति में शामिल होने जा रहे हैं, ऐसे 3 युवक पोरबंदर के रेलवे स्टेशन में और यहाँ से वो लोग दरियाई मार्ग से अफगानिस्तान ईरान जाने की फिराक में है। तो एटीएस ने टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पे ये सभी लोगों को गिरफ्तार किया और उसके आधार पे सुमेरा बानू जो सूरत में रहने वाली थी और जो ये मॉड्यूल है, ये जो आतंकी संगठन है उसकी हैंडलर गुजरात की थी, उसे पकड़ा गया है। उसके पास से कई डॉक्यूमेंट कई मोबाइल फोन मिले, कई हार्ड डिस्क मिले, इन सभी के आधार पे अब एटीएस तलाश कर रही है, छानबीन कर रही है इसलिए क्या हो रहा था और गुजरात के कई इलाकों में कौन कौन उसके साथ जुड़े हुए हैं, किसने कितने जो युवा जन उसके साथ कितने लोगों को संपर्क किया है, ये सभी बात एटीएस अभी छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है। रिमांड के दौरान यही बात सामने आ रही है। एक बात और सामने आ रही है कि ये गुजरात का जो हैंडलर जो सुमेधा बानू थी वो कश्मीर के कोई व्यक्ति के साथ